हमहू तो अपन पापा के पारा है। पारा? अरे जखनी हमरा हमर पापा घरे देखते ओकर पारा गरम हो जाता है। रे टप्पू जी मैम, आज मैं तुमको पढ़ाऊंगी। ठीक है? ठीक है, खड़ा हो जाओ। ये बताओ, हाँ? एक लड़की सब लड़कों से हंस हंस कर बात करते है, बताओ लड़की इसमें क्या है रे? लड़की तो बिगड़ी हुई है, सबसे सेटिंग करना चाहती है। देखिए आपका और आपका पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है, तो काहे नहीं रहेगा जब 5 साल से हमरे ने खून पी रही है वो। अकेला आदमी जीवन में बदलाव लाता है और शादीशुदा आदमी खाली सब्जी लाता है। शादी के बाद पत्नी अपने पति की सबसे पहले शराब छुड़वाती हैं, फिर सिगरेट छुड़ाती हैं, उसके बाद दोस्त बदलवाती हैं और फिर 5-6 साल बाद कहती हैं रउआ पहले जैसा नहीं रह ली। ए जी सुनिए, डॉक्टर ने हमें स्विट्जरलैंड या आयरलैंड में 1 महीने के लिए आराम करने के लिए बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? अरे हमें दूसरे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चा प्यार एक बार लौट के जरूर आती है। मेरी वाली भी आई थी शादी के कार्ड लेकर मेरे भाई। गुरुजी, हाय। अरे आपको इतना धन मिले, इतना धन मिले, हाँ। कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम अकाउंट खोले या बैंक। पत्नी और बारी सिर्फ शुरुआत में ही अच्छे लगते हैं, बाद में कीच 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 बस। बेटा, हाँ, तुम्हारा मम्मी इतना चुपचाप काहे बैठी है? मेरा गलती से पापा। नालायक ऐसा तूने क्या किया रे? अरे लिपस्टिक की जगह हमने फेविक क्यूक दे दिया। किसके लिए काम करता है तू? इसके लिए। और तू किसका आदमी है बे? हम किसी के आदमी नहीं है, हमारी औरत नहीं है ना, अब तक शादी नहीं हुई है। आपकी नजर में अगर कोई लड़की, आज अमेरिका के लड़के लड़ाकू विमान चला रहे हैं और एक हमारे भारत देश की लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से यही बात पूछने में व्यस्त है कि मेरे बाबू ने खाना खाया और ना जाने का चीज फलाना ढकाना। अरे हाँ, देखो सवाल का जवाब बताओ, अगर नहीं बताए तो ठाक पटक देंगे। बताओ लड़कियां क्या क्या खाती हैं? पानी पूरी और चॉकलेट और भाव। अजय सुनते हैं? हाँ बोलो। कुछ ऐसा रोमांटिक बात मुझे कहिए कि मेरा पैर हवा में उठ जाए। तो ऐसा करो, हाँ? फांसी लगा लो, खुद ही पाँव ऊपर हो जाएगा। हाँ? उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, मैंने भी अपना बारात सजा रखी थी। वाह 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 वाह। उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, मैंने भी अपना बारात सजा रखी थी। मुझे पता था वो बेवफा निकलेगी, इसलिए उसकी सहेली को पटा रखी थी। सच में तो कहा बुड़बक है का? वाह मैडम, आप तो बहुत बहादुर हैं। आपने अकेले डाकू को इतनी बुरी तरह मारा? अरे मुझे पता नहीं था वो डाकू है, मुझे लगा मेरा पति रात को देर से घर आया है। यहाँ गांव के बड़े बुजुर्ग लोग दिन भर तो आगे तर से उठेंगे नहीं और पूछेगा तो बोलेंगे अरे तो कुछ न कहो ठंडा रे, जो हम इनके समय में ठंडा है। चूल्हे के मौसा जी, हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। ये मामा जी, अरे नमस्कार नमस्कार। अब इन्हीं को 1 घंटे बाद मिलो। ये दूल्हे के चाचा है, हाँ तो क्या हो गया? ज्यादा बदतमीजी मत करो, अपने काम से काम रखो। चलो अब मुझे आज तक ये नहीं पता चलता है कि नए शहर में इनको बताता कौन है, ठेका कहाँ है। सुबह उठकर काम करने में जो खुशी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। अरे हमरो मुर्गा तो सुबह ही उठता था, लेकिन शाम तक के तो पका के खा गया। सेला राम से सुतिया, राम से उठिए। भगवान
सर्दी थोड़ी कम करना, क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में। भूल गई वो जमाना जब तेरे घर की पाइप चढ़ चढ़ के तेरी छत पे मिलने आता था मैं। कई बार तो आधा घंटा पाइप से चढ़ने के बाद पता चलता था पूनम की छत पे आ गया हूँ मैं। जब तुम पाइप चढ़ के आया करते थे वो वक्त दूसरा था, अब मेरी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद क्या पाइप उठवा दिया तुमने करके? अरे पप्पू, अरे पप्पू उठ रहे घर हिल रहा है, घर हिल रहा है, जल्दी भाग। अरे चुपचाप जाकर सो जाइए, हार गिरेगा तो क्या हुआ। हम तो घर के किराएदार हैं। हाँ मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? हाँ बीबी जी, 1,00,000 रुपए चाहिए मुझे। पता है तुम्हें कौन सी डिग्री कर रही हूँ मैं? MBBS। बच्चे पैदा करके फेंक दिए तुमने तो, तुम्हें ना फीस देनी है ना कुछ, ना पता है बच्चा क्या कर रहा है। मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए MBBS तक की। तुम लोगों को ये नहीं पता फुल फॉर्म क्या है उसकी। MBBS की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? मास्टर इन ब्लास्टर। पता है फुल फॉर्म क्या होती है MBBS की? कल को बताऊंगा मैं फुल फॉर्म। अगर लड़के लोग बड़े बड़े बाल रखे तो टीचर बोलते हैं कारे लड़की लेके बाल रखा है ना। अब अगर लड़की लोग छोटे छोटे बाल रखे तो ना जाने उनका मुंह में का हो जाता है, ताला लग जाता है कि का। अब हाँ सपो सुन जाता है कि का वो सबके। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम। पंडित जी, पंडित जी। हाय पत्नी को बाई तरफ बैठाओ या दाई तरफ? अरे जैसी तुम्हारी मर्जी, जिधर बैठाओ। घर जाकर तो ये सर पर ही बैठेगी तेरे। क्या वक्त था जब 17-18 साल की लड़कियां मुझे किस किया करती थी। साली किस्मत फूटी थी हमारी, उस वक्त 3-4 साल की उम्र हुआ करती थी। रे भोला। हाँ दो आदमी जा रहा है रे। हाँ किसी ने पैसा देख लिया तगिला को का बोलेगा वो? तुम चलो भैया हम आते हैं। मिलने को दिल करता है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़े किस्मत वाला है वो। हेलो मिस्टर राहुल, अभी अभी आपकी बीबी को कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक मिनट, अबे मेरा तो अभी तक शादी नहीं हुई और मेरा नाम तो सूरज है यार। अबे साला रॉन्ग नंबर था यार। तूफान कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना। खिल के पास दिल के दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। किसी के प्यारे प्यारे बाल, किसी के प्यारे प्यारे चाल, तू सर से पांव तक सुंदर, तू है कुदरत का कोई कमाल है तेरी। यार झील का नजारा और यहाँ पर बर्फीला जगह। ए सिविलियंस क्रेस इंदरदा। इधर यहाँ याक का स्टेशन है, देख लीजिए यहाँ सभी। सूरज कहाँ है? बोलो यार सूरज। ये है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, ये है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। अभी हम लोग स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे होता है क्या कि आपका ये रिजल्ट होता है तो ये ये हरभजन सिंह का ये ऑफिस है और ये गुरु हरभजन सिंह का लिविंग रूम। लिविंग और ये है उनका हिस्ट्री। आज मैं ऊपर आसमान नीचे,